चैप्टर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया क्वेश्चन नंबर 40 द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट रॉड दैट कैन बी प्लेस्ड इन अ रूम ऑफ डायमेंशन 10 मीटर × 10 मीटर × 5 मीटर इज। तो इस क्वेश्चन में हमें ये पता करना है कि एक रूम है सपोज, तो इस पे हमें कितनी लॉन्गेस्ट जो है ना वो रॉड इसमें प्लेस कर सकते हैं, तो इसकी हमें फाइंड करनी है लेंथ। तो और डायमेंशन जो दिया हुआ, लेंथ है इसकी 10 मीटर और ब्रेथ है इसकी 10 मीटर और हाइट है 5 मीटर, 10 10 5। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसका लेंथ ऑफ डायगोनल निकाल देंगे तो आ जाएगी लेंथ ऑफ द डायगोनल इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, सो इज इक्वल टू रूट अंडर लेंथ के प्लेस में 10 रखेंगे, ये 10 की स्क्वायर और ये 5 की स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 25, सो इज इक्वल टू 225, और इसका जो 225 का रूट होता है 15, सो 15 मीटर, सो हैंस the length of the rod is 15 meter answer, so option D is the correct answer।